हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर आपके लिए न्यू वीडियो लेके आई हुई हूँ और आज जो मैं कलेक्शन आपके लिए लेके आई हूँ ये सूट और कुर्तियों का है। मैं आकांक्षा आज आपके लिए एक फिर से न्यू वीडियो लेके आई हुई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ कुर्ती कलेक्शन दिखा रही हूँ जिसके साथ स्कर्ट भी है प्लस प्लाजो भी है। तो आज मैंने कुछ न्यू वैरायटी उससे सर्च करके ले आई हूँ। और प्लस मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि मैं मीशो से मैंने फ़र्स्ट टाइम ऑर्डर किया हुआ था तो मुझे इसके प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तो इसमें आपको बिल्कुल ही अच्छे रेट में, यानी कि आप जिस तरीके का रेट चाहते हैं पहनने के लिए ड्रेसेस वगैरह के लिए, उस रेंज में आपको ड्रेसेस वहाँ पर सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इसमें जो मैंने ड्रेस ऑर्डर किया हुआ है, जैसे आप पहले मैं मिंत्रा से ऑर्डर करती थी तो उसमें ये रहता था कि मैं लिंक वगैरह आपको शेयर कर देती थी, बट इसमें ऐसा लिंक वगैरह का ऑप्शन नहीं है। तो इसमें एक कोड होता है, जो कोड मैं इसमें मेंशन कर रही हूँ स्क्रीन पे आप देखेंगे तो वो कोड के साथ आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। तो आप मीशो पे जाके उस कोड को सर्च करिए, कोड को सर्च करेंगे तो जो ड्रेस आपको पसंद आ रही है वो ड्रेस आपको मिल जाएगी, प्लस उसके कलर कॉम्बिनेशन सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। अगर आपको वो ड्रेस नहीं मिलती है तो आप 1 वीक बाद अगर उस कोड को डालेंगे तो आपको वो मिल जाएगी, क्योंकि मीशो में क्या होता है कि बहुत ही जल्दी सारी चीज़ें सेल आउट हो जाती हैं। तो अगर आपको नहीं मिलता है तो आप बाद में भी उसको सर्च करके उसको आप ले सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मैं फटाफट से वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और इसके पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो पहले इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके बिना आप बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो चलिए पहला मैं आपको दिखाती हूँ कुर्ती, जो मैंने कुर्ती वहाँ मीशो से ऑर्डर किया हुआ था। ये कुर्ती मैंने ऑर्डर की, ये गाजरी कलर की कुर्ती है। इसके बारे में पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये लॉन्ग कुर्ती है। आप रियॉन का फैब्रिक जानते होंगे, रियॉन फैब्रिक में ये कुर्ती है। इसमें नेक पे आप देखेंगे अभी इस समय ये राजस्थानी जो लेस चल रही है वो लेस इसमें लगी हुई है, और जो अंदर आप देख रहे हैं इसमें रेड कलर की जो पाइपिंग टाइप की फैब्रिक लगी है वो भी राजस्थानी लगी हुई है और रियॉन फैब्रिक का है। बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है, बहुत ही अच्छा है। और इसके रेट वाइज बात करें तो ये बिल्कुल भी, आप ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब इसको ले नहीं सकता है, सारे लोग इसको परचेज कर सकते हैं। और इसकी मैं आपकी स्लीव की बात करती हूँ, 3/4 स्लीव है। स्लीव में भी ऐसी आप देखेंगे तो इसमें लेस लगी हुई है और नेक की डिज़ाइन इसमें बहुत ही प्यारी दी हुई है, बहुत ही लंबा नेक नहीं है जो आपको प्रॉब्लम हो। पीछे बैक की बात करूँ तो बैक में 2 इंच का आपको मिलेगा, करीब 2 इंच का रहेगा आपका बैक की डिज़ाइन है। ये देखिए आप, इसमें भी रेड कलर से पाइपिंग हुई है, लेस लगी हुई है। और इसके नीचे की बात करूं मैं तो ये साइड में आप देखोगे तो इसमें भी रेड कलर की पाइपिंग आपको देखेगी, लेस लगी हुई है पूरे में नीचे तक। तो ये बहुत ही प्यारा पीस है और पहनने में तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, रेट वाइज लुक वाइज सारी चीज़ें इसकी बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि हम भी ऐसी ड्रेस पहनना चाहते हैं कि जो हमारे रेट के अकॉर्डिंग हो और उसको हम पहन के कहीं भी जा सकें। और ये अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा होगा, आप देखेंगे तो ये आपको मेरे ख्याल से मिंत्रा में भी मैंने इसको देखा हुआ था, नायका में भी देखा हुआ था, काफ़ी ये चल रहा है। तो ये बहुत ही प्यारा पीस है, आप इसको परचेस कर सकते हैं। प्लस आगे इसकी बात करूँ तो इसके साथ मुझे ये स्कर्ट मिला है, स्कर्ट भी आप देखिए बहुत ही प्यारा है, इसमें पूरे में लेस लगी हुई है। स्कर्ट में रेड कलर का स्कर्ट है और आप जो चेरी रेड होता है बिल्कुल प्यारा सा रेड होता है वो है। इसमें इलास्टिक लगी हुई है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपकी हेल्थ वगैरह ज़्यादा भी है या फिर टमी वगैरह में ऐसा है कि आपकी टमी वगैरह है तो आपको प्रॉब्लम होती है, इशू होती है, तो ये इलास्टिक की वजह से आपको कोई भी इशू नहीं होगी। और इसके नीचे की बात करूँ मैं तो नीचे भी आप जैसे सूट में देख रहे थे नेक में पूरी डिज़ाइन बनी हुई थी, उसी तरीके से इसमें नीचे भी लेस लगी हुई है पूरे में। और घेर की बात करूँ मैं तो घेर इसमें काफ़ी है, यानी कि आप जितना कि चाहते हैं कि जैसे कि प्लाजो वगैरह बहुत ही लूज़ हो कुर्ती का, उस तरीके से आप अगर इस स्कर्ट को देखना चाहेंगे तो उतना ही घेर है इसमें। कि बहुत ही प्यारा पीस है और कॉम्बिनेशन तो आप देख ही रहे हैं कि कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है, रेड के साथ अगर गाजरी कलर मिक्स होता रहता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। प्लस इसके साथ हमको दुपट्टा भी मिला है, दुपट्टा आप देखेंगे ये सॉफ्ट है बिल्कुल शिफॉन का, मतलब कि आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कोई हैवी सा दुपट्टा लिया है, आपको कैरी करने में प्रॉब्लम हो रही है। और पूरे दुपट्टे में आपको ये लेस भी मिलेगी और ये
वाइट के साथ रेड कॉम्बिनेशन में इसमें दिया हुआ है दुपट्टा। दुपट्टा बहुत ही प्यारा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये एक बार सूट ज़रूर परचेस करें, क्योंकि आप इसको नॉर्मली कहीं पे भी जाते हैं, जैसे कि मार्केट वगैरह भी जाते हैं, किसी भी बर्थडे पार्टी में जाते हैं, छोटे मोटे फंक्शन में जाते हैं, तो आप इसको मैचिंग के साथ अगर कैरी करेंगे तो आप बहुत ही अच्छे लगेंगे। अब मैं सेकेंड पीस पर आती हूँ। ये भी मैंने मीशो से ऑर्डर किया हुआ है, ये आप देख रहे होंगे ये स्टिच किया हुआ है, मैंने अनस्टिच इसको लिया हुआ था, पर ये मुझे इतना ज़्यादा प्यारा पीस लग रहा था क्योंकि मैं अभी अब तक आपसे शेयर नहीं की थी, पर मैंने सोचा था पहले मैं इसको स्टिच कराऊंगी क्योंकि ये मुझे चाहिए ही था कि मुझे पहनना है इसको, तो मैंने सोचा मैं स्टिच कराऊँ उसके बाद मैं आपको ये पहन के भी दिखाऊँगी कि ये पीस कैसा लगता है। आप ये देखें ये कॉटन का है, वाइट में आप देखेंगे ग्रे कलर का, गाजरी कलर का इसमें जो आपको फ्लावर मिलेंगे ग्रे और गाजरी में है, बहुत ही प्यारा। कॉटन की बात करूँ तो कॉटन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है। मैंने इसमें जो मतलब स्लीव सिलवाई हुई है, जो अभी बहुत ज़्यादा चल रही है कि 3/4 स्लीव बहुत ज़्यादा चल रही है, तो मैंने 3/4 स्लीव करवा के ये पिंक कलर की पाइपिंग दे दी है, जिस कलर का मुझे इसमें नीचे पैंट मिला हुआ, यानी कि पैंट मैंने पैंट बनवाया लेकिन पैंट कपड़ा मिला हुआ था। और इसकी नेक की बात करूँ तो नेक में इस तरीके से डिज़ाइन दी हुई है, सेम राजस्थानी पैटर्न में जो लेस आती है वो जो अभी बहुत ज़्यादा चल रही है वो लेस लगी हुई है इसमें, और कट दाने और मोतियों से इसमें सामने वर्क है। तो आप देखिए मैंने तो इस तरीके से सिलवाया, आपकी डिज़ाइन अगर आप कुछ और दिमाग में रखते हैं कि किसी और तरीके से सिलवाना तो आप सिलवा सकते हैं। बैक की बात करूँ तो बैक में मैंने इस तरीके से इसमें चैन लगवाई हुई है, तो ये सिंपल सोवर है, बहुत ही प्यारा पीसेस है, रेट वाइज भी बहुत अच्छा है, और इसमें नीचे भी आप देखेंगे तो इस तरीके से इसमें लेस लगी हुई है, तो बहुत सुंदर पीस है। इसको भी आप चाहें तो आप ले सकते हैं, अगर आपको बैठ अच्छा लग रहा है कि मैंने इसको पहन के आपको मैं दिखाऊंगी भी, तो अगर ये पीस आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको परचेस कर सकते हैं। इसका कोड वगैरह मैं स्क्रीन पर आपसे शेयर कर रही हूँ, आप इसको चेक कर सकते हैं जाके। प्लस इसके साथ मैंने जो ये सिलवाया हुआ है, देखिए ये प्लाजो सिलवाया, आपको घेर भी समझ में आ रहा होगा कि इसका जो मुझे फैब्रिक मिला है और प्लस इसमें जो कपड़ा मुझे जितनी इसकी लेंथ मिली है मुझे बहुत अच्छी मिली है, और मैंने सामने इसको इस तरीके से करवाया हुआ है कि सामने से प्लेन है ताकि जैसे कि मैं पहनती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा चुन्नट टाइप का नहीं लगे, क्योंकि मैंने जो कुर्ती सिलवाई है इसकी वो स्किन टाइट है, तो अगर सामने से चुन्नट होती है तो वो पहनने में अच्छा नहीं लगता, तो लास्टिक मैंने पीछे भी हुई है। और प्लस ये प्लाजो आप देखोगे तो प्लाजो का घेर बहुत अच्छा है, मैंने प्लाजो के नीचे ऐसे साइड से थोड़ा सा कट करवाया हुआ था कि थोड़ा सा लुक चेंज हो प्लाजो का, मैंने कट करवाया। इसकी कॉटन की बात करें तो मैं आपको पकड़ के भी बता रही हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है, तो आप अगर समर के अकॉर्डिंग इसको ले परचेस करना चाहते हैं तो समर के अकॉर्डिंग इसको परचेस कर सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा पीसेज है, और कलर भी कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं वाइट के साथ अगर पिंक का कॉम्बिनेशन है तो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और जो इसके साथ मुझे दुपट्टा मिला है वो 3 कॉम्बिनेशन में मिला है, यानी कि पिंक ग्रे वाइट, यानी कि मतलब मुझे पिंक में और ग्रे में वाइट के साथ उसमें फ्लावर बने हुए थे कुर्ती में, आपने देखा हुआ था, और पिंक कलर का मेरा नीचे का प्लाजो है, तो ये 3 कॉम्बिनेशन में मुझे दुपट्टा मिला है। जो आप दुपट्टा देख रहे हैं कॉटन का है, बहुत ही प्यारा है 3 कॉम्बिनेशन में, और इसके साथ मुझे ये देख रहे हैं साइड में इसमें ऐसे कुर्ती का जो कपड़ा है वो लगा हुआ है दुपट्टे में, कि बहुत अच्छा दुपट्टा है। इस टाइप के दुपट्टे आप समर में अगर घर पे भी यूज़ करना चाहते हैं, कि जैसे आपको घर पे भी कुछ ऐसे कपड़े यूज़ करने हो जो न्यू ड्रेस खरीद के आप यूज़ करके पहनना चाहते हैं कि आपको सॉफ्ट भी रहे रेंज वाइज भी अच्छा रहे, तो ये बहुत अच्छा पीस है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको एक थर्ड पीस दिखाती हूँ जो मैंने ऑर्डर किया हुआ था, अभी तक तो मैंने इसको यूज़ नहीं किया है, मैंने मंगवा के रखा हुआ था। ये भी पिंक कलर का है, पिंक कलर ऐसा होता है कि सारी लड़कियों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो अभी इस टाइम मैंने पिंक कलर के बहुत सारे पीसेज ऑर्डर किए हुए हैं। तो ये पिंक कलर का आप देख रहे हैं, ये भी कुर्ती है पैंट के साथ, तो पहले मैं आपको उसको दिखा देती हूँ। आप ये देखेंगे ये पूरी फुल लॉन्ग कुर्ती है, लॉन्ग कुर्ती बहुत ज़्यादा क्रेज में चल रही है, लोग बहुत ही ज़्यादा इसको पहनना पसंद करते हैं, और सामने इसका देखेंगे तो आप ये छोटी सी आपको ऐसा दिखेगा कि ऐसा कट लगा हुआ है नेक के पास, तो ये मतलब नेक इसका ऐसा नहीं है कि नेक बहुत बड़ा है, नेक नॉर्मल नेक है, आप इसको पहन सकते हैं। प्लस इसका अगर आप स्लीव की बात करूँगी, स्लीव में ऐसी नेट लगी हुई है और स्लीव ऐसी फ्लेयर वाली है, तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, 3/4 स्लीव का है,
और पीछे नेक की बात करें तो पीछे भी नॉर्मल नेक है, यानी कि 2 इंचेस का नेक, जैसा कि आप देखते हैं कि आपको ऑनलाइन कुर्तियों में आपको छोटे नेक मिलते हैं, उस तरीके के ये नेक है पीछे से। तो ये कुर्ती बहुत ही प्यारी है, रियॉन फैब्रिक में है और कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इसमें जो फ्लावर बने हुए हैं वो पिंक कलर, ब्लैक और ऑरेंज कलर से फ्लावर बने हुए हैं, तो ये बहुत ही प्यारा पीसेस लग रहा है और पहनने में भी ये लुक वाइज बहुत ही अच्छा है, रेंज वाइज भी बहुत अच्छा है। ये तो स्क्रीन पे मैं आपको इसका कोड शेयर कर रही हूँ, आप वहाँ जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। प्लस इसके मैं पैंट की बात करूँ तो मुझे पैंट ये पिंक कलर का मिला है, इलास्टिक इसमें आगे भी है पीछे भी है। ये मैंने एम साइज़ का ऑर्डर किया हुआ था बट मुझे थोड़ा सा लूज़ लग रहा है इसलिए मुझे इसको टाइट करवाना है। और आप इसके नीचे की बात करेंगे तो नीचे जैसे स्लीव में उसमें फ्रिल लगा हुआ था, इसी तरीके से नेक की फ्रिल लगी हुई है इसमें। आपको अगर ये चीज़ें नहीं पसंद आती है, जैसे आप एज वाइज आपको लगता है कि आपको ये सब नहीं पहनना चाहिए, तो आप इसकी कुर्ती यूज़ कर सकते हैं, पैंट को चाहें तो पैंट को ना यूज़ करें, लेगी के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको पैंट फिर भी पसंद है तो आप इसको कटवा सकते हैं नीचे से, कि आपको अगर ये चुन्नट पसंद नहीं है तो आप इसको पैंट भी बनवा सकते हैं, लेकिन फैब्रिक इतना अच्छा है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थर्ड मैं इसका पीस दिखा रही हूँ आपको, इसके साथ मुझे ये बहुत प्यारा सा दुपट्टा मिला है, जो कि दुपट्टा मुझे कॉटन का मिला है और कुर्ती जो मेरी और पैंट जो है वो रियॉन का है। तो दुपट्टा जो मुझे कॉटन का मिला है वो इस तरीके का है, देखेंगे आप पूरी जो प्रिंट आपको सूट में मिली थी पूरे दुपट्टे में मिली, और दुपट्टे की आप चौड़ाई देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत ही चौड़ा दुपट्टा है, और दुपट्टे के किनारे मुझे इस तरीके से फ्रिल मिली है, ये देखिए। और ये सारी चीज़ें तो बहुत ही ज़्यादा चल रही हैं, मुझे आपको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इस समय लड़कियाँ ज़्यादातर जो नेट यूज़ करती हैं उनको पता है कि इस समय क्या चीज़ें चल रही हैं, तो उनको पता है कि ये बहुत ज़्यादा चल रहा है दुपट्टे के किनारे ऐसा अगर फ्रिल लगा रहता है तो लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था मुझे, स्पेशली अगर ये सुंदर लगा है तो कुर्ती और प्लस दुपट्टे की वजह से सुंदर लगा था, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया हुआ था। और मैंने ऐसा इसमें लेगी भी पहनती हूँ या फिर मैं इसके साथ स्कर्ट भी पहन सकती हूँ, जो मुझे पसंद हो, जिस कलर का मेरे साथ मैचिंग होता है उस तरीके से मैं इसको एडजस्ट करके पहन सकती हूँ। अब मैं फोर्थ पे आती हूँ, फोर्थ पे मैं आपको ये एक ड्रेस दिखा रही हूँ, ये ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी है। अभी मुझे ये बिल्कुल नहीं पता है कि मैंने इसको अपने लिए ऑर्डर किया है कि या फिर मैं इसको अपने फैमिली में गिफ्ट कर दूंगी, बट ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये शॉर्ट ड्रेस आप देख रहे हो, ये शॉर्ट ड्रेस है, इसमें नेक आप देख रहे हो, वी नेक आपको मिलेगा, ये बिल्कुल शिफॉन में है, शिफॉन फैब्रिक में है, और इसमें जो एम्ब्रॉयडरी हुई है वो आपको देखेंगे वो डार्क पिंक कलर की और ग्रीन कलर की एम्ब्रॉयडरी पूरे में हुई है, और इसमें इस तरीके का बेल्ट लगा हुआ है, और आप ये देखेंगे नीचे चुन्नट चुन्नट सारी चीज़ें दी हुई हैं। कपड़ा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, पीस बहुत प्यारा है, रेंज वाइज बहुत अच्छा है। जैसे आप बाहर कहीं घूमने जाते हैं या फिर आपके फैमिली में कोई ऐसा है जो इस तरीके की ड्रेस पसंद करता है तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। और इसके पीछे आप देखेंगे सामने से वी नेक है, पीछे से भी वी नेक है, लेकिन पीछे इस तरीके की चैन लगी हुई है, तो आप अगर इसको पहनने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप इसकी चैन ओपन करके इसको पहन सकते हैं। तो ये बहुत प्यारा पीस है, आप इसको भी देख सकते हैं। तो ये था मेरा आज का पिंक कलेक्शन, यानी कि मैंने आज पिंक कलर की सारी चीज़ें ऑर्डर की हुई थी जो मैंने रखी है। अभी मैंने बहुत सारे मीशो से ऑर्डर किया है क्योंकि मुझे फर्स्ट जो प्रोडक्ट मिला है बहुत अच्छा मिला है, रेट वाइज भी बहुत अच्छा मिला था, बट ये लॉकडाउन की वजह से अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है। जैसे जैसे मुझे रिसीव होता जाएगा मैं आपसे शेयर करती जाऊँगी। तो आज का ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, प्लस इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बिना सब्सक्राइब किए आप मत जाइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं इसमें अपलोड करूँ तो आपको वो सबसे पहले रिसीव हो सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, सेफ रहिएगा, घर पर रहिएगा। बाय बाय।